गोवंडी और मानकुर के बीच में भी फटका गैंग का आतंक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे यात्रियों को बनाते हैं निशाना। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। जिस तरीके से आपको पता है कि फटका गैंग जो है पूरे लोकल ट्रेन के जो ट्रैक के ऊपर खड़े होते हैं और हाथ में उनके एक फटका होता है, यानी कि लकड़ी का कोई सामान होता है, जिसकी वजह से वो जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे यात्री होते हैं उनके हाथ पे मारते हैं, ताकि उनके हाथ में किसी तरीके का अगर कोई सामान हो या कोई मोबाइल फ़ोन हो तो वो गिर जाए। इस तरीके की लूट की वारदात कोई लोग करते हैं। कुछ हाल ही में, कुछ वक्त पहले, अगर आपको पता होगा कि एक कांस्टेबल को माटुंगा में इसी तरीके से हाथ पे मारा गया था, उसका मोबाइल गिरने के बाद जब वो ट्रेन से उतरे अपना मोबाइल लेने के लिए, तो तब उसी फटका गैंग ने जो है उसे इंजेक्शन लगा के मार दिया, जो बताया जा रहा है कि जहरीला इंजेक्शन था। इसी तरीके से एक घटना हमारे सामने आई है, जो गोवंडी और मानकुर के बीच में ट्रैवल कर रहे थे जिनको पत्थर फेंक करके मारा गया, और उनके जो लिप्स होते हैं यानी कि जो उनकी जो पार्ट है चेहरे पे जो उनके पत्थर लगा और उनके बाद में उनके साथ इंजरी हुई, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अख्तर कुरैशी। क्या 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 चीज़ें हुई थी आपकी, पूरी आप कैमरे पे देख के बोलिए। मैं एक्चुअली ऑफिस से वापस आ रहा था, इवनिंग का वक्त 7:30 बजे का टाइम था। जैसे ही मैं गोवंडी पास हुआ, एक मैं मानकुर उतरने के लिए आगे आया और मुझे दरवाजे के पास आके मुझे जगह मिली, तो मैं खड़ा हो गया था, तो अचानक से नीचे से पत्थर आया और मेरे मुंह पे लग गया। तो पीछे वाले दो लोगों ने बोले, अरे बहुत ज़ोर से पत्थर लग गया और मेरे मुंह से एकदम खून निकलने लगा। ये मेरा वुंड है, पत्थर यहाँ से लगा अंदर तक जाके उसने पंक्चर कर दिया है, ना अभी मैं खा सकता हूँ, मेरे दांत भी पूरे मिस अलाइनमेंट हो गए आधे साइड के। फिर वहाँ पे मुझे वहाँ लोगों ने मानकुर में पुलिस के पास ले गया, पुलिस ने इमीडिएटली मुझे वहाँ पे मानकुर में हॉस्पिटल है वहाँ ले जाके मुझे मतलब क्लीनिंग वुंड को क्लीन करवाया। तो नर्स ने उस वक्त मुझे बताया, आपसे आधा घंटे पहले एक लेडी भी आई थी, उसी जगह का इंसिडेंस है, उसके सर पे मार लगी थी। सो मुझे हाईलाइट इसलिए करना है कि ये इंसिडेंस वहाँ उसी जगह पे रिपीटेडली हो रहे हैं। हम ट्रेन की भीड़ को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, बट नीचे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं डेफिनेटली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा मोटिव ये इंटरव्यू देने का यही है कि उस जगह पे कोई ना कोई पुलिस सिक्योरिटी होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से आपने बताया कि आपको इस तरीके से लगा है, तो इसके पहले भी कोई वारदात वैसी हो चुकी है वहाँ पर? जी, जैसे ही मैंने दूसरे दिन ऑफिस को कंडक्ट किया है, तो वहाँ पे मेरे जो हाउसकीपिंग वाले हैं वो भी मानकुर में रहते हैं, इमीडिएटली उन्होंने बोला 3-4 दिन पहले मेरा एक फ्रेंड को भी मुंह पे पत्थर लगा था। दैट मीन्स ये रिपीटेडली हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे अभी भी कोई सिक्योरिटी नहीं। आज भी मैं देखा हूँ, आज भी वहाँ कुछ सिक्योरिटी नहीं है, कोई नहीं है, वो बच्चे आज भी वहीं खेल रहे हैं। तो बच्चे मारते हैं कि मतलब कौन लोग मारते हैं, बड़े लोग मारते हैं? मैंने उस वक्त एक्चुअली मैं देखा नहीं कि किसने मारा, मैं अपना किसी और तरफ मेरा नज़र था, लेकिन पीछे वाले ने बोला बच्चे लोग ने मारा है। बता रहे कि मतलब गोवंडी मानकुट के बीच में वो एक फटका गैंग भी है, लोगों को मोबाइल छीनने का वो सब चीज़ें करती है। सर एक्चुअली उसका तो मुझे पता नहीं है, बट सुना है कि ऐसी गैंग है जो दरवाजे पे खड़े लोगों के ऊपर हमला करती है और उनके बिलोंगिंग्स को ले लेते हैं उन लोग। तो अभी इसके ऊपर कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज करवाई आपने? नहीं, मैं जिस दिन मुझे मार लगी उस दिन मुझे चक्कर आने लगे थे, पुलिस ने मुझे कहा कि आपको अगर चलना है हम आपको वाशी लेके चलते हैं, आप कंप्लेंट कर दो, बट मैं अकेला था और मुझे चक्कर आने लगा था, तो मैं बोला नहीं मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मैं अब घर जा रहा हूँ। तो कोई FIR दर्ज नहीं हुई उस पर, कोई मामला नहीं दर्ज हुआ? नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे घर जाना है। वो भी ट्रीटमेंट जो चीज़ें, वो ट्रीटमेंट क्या चल रहा है इसका? मैंने उस वक्त इमीडिएटली अपना डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर जो है उनके पास जाके
अपना ट्रीटमेंट कराए, इंजेक्शन वगैरह भी लिया है, टैबलेट्स वगैरह भी दी है उन्होंने। अब इसको कुछ वक्त लगेगा, मुझे दांत में तकलीफ है अभी, तभी दांत के डॉक्टर के पास भी जाना है मुझे। तो प्रशासन से क्या मांग रहे हो? मुझे उस जगह पे एक सिक्योरिटी चाहिए ताकि ये इंसिडेंट वहाँ पे बार बार ना हो। जिस तरीके से पूरे मुंबई में जो फटका गैंग, अगर आप जानते होंगे कि जिस तरीके से फटका गैंग जो पूरे मुंबई में मशहूर है इसी चीज़ों के लिए, जो बिलोंगिंग्स जो छीन लेती है फटका मार करके, जो मोबाइल्स है या फिर ज्वेलरीज जो है, उसके अलावा फिर जो हाथ के पर्स है उसको छीन लिया करती है इस तरीके से मार करके, उसी तरीके ये सारे इंसिडेंट भी अभी जो है मानकूर दुर और गवंडी के स्टेशन के बीच में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। GRPF जो है वहाँ पर तैनात नहीं रहती है, ऐसा इनका आरोप है। प्रशासन से मेरी मांग है, रेलवे जो मंत्री है उनसे मेरी मांग है, रेलवे प्रशासन से मांगे कि इस रास्ते पर इस तरीके से जो आने वाले वक्त में एक बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है इस सारी चीज़ों से लेकर के, तो प्रशासन से मांगे कि इस रूट पर जो है ध्यान रखे ताकि इस तरीके की जो इंसिडेंट है उस पर कंट्रोल किया जा सके। मैं आमिर खान, नुक्कड़ लाइव, मानकुर्द।